राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में नए साल के आगाज पर 1 जनवरी को नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान जब गरीबों को भोजन के लिए तरसना पड़ रहा था, तब ऐसे में ग्रैंड न्यूज के CMD व CGO महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने पहल की तो राजधानी के गुरुद्वारों में भी आम लंगर की व्यवस्था कराया और भूखों को भोजन के साथ राशन सहित अन्य जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध कराई थी। उनके इस योगदान के लिए रायपुर प्रेस क्लब में कोरोना योद्धा गुरुचरण सिंह होरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से शाल उड़ाकर सम्मान किया। रायपुर प्रेस क्लब में नए साल के आगाज पर नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत कर प्रेस क्लब के जिम का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के सभागार में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के CMD गुरुचरण सिंह होरा को कोरोना काल में सेवा कार्य करने और खबरों को बेहतर प्रसारण करवाने के लिए कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य कोरोना योद्धाओं और समाज सेवियों को सम्मानित किया। रायपुर विकास प्राधिकरण की कॉलोनी में पत्रकार साथियों को आवास में राज्य सरकार द्वारा 15% छूट की घोषणा भी की। इसके साथ पत्रकार विजय मिश्रा को झंगलू मंगलू के गोठ के संकलन और किताब के रूप में प्रकाशन के लिए 2,00,000 रुपए देने की घोषणा की। जो कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने सेवाएं दी उसका सम्मान भी हुआ, साथ ही प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू जी ने पत्रकारों के आवास के लिए कुछ छूट की मांग रखी थी, तो RDA के बिल्डिंग में 15% की छूट की मैंने घोषणा की। और साथ ही जंगलू मंगलू के गोठ के संपादन और प्रकाशन के लिए भी 2,00,000 रुपये की मैंने घोषणा की।